बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल की प्री बजट बैठक इस समय जारी है। और इस समय आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की प्री बजट बैठक जारी है। पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ चर्चा इस बैठक में की जा रही है। और इसके साथ ही साथ पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश भर की जिला परिषद के सीईओ भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिनके साथ मंथन जारी है। और साथ ही साथ प्री बजट मंथन है ये जो जारी है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मंथन इस समय हो रहा है। बजट से पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार मंथन कर रहे हैं और अलग अलग विभागों के साथ लगातार उनकी ओर से मंथन किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं। और ऐसे में आज पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ चर्चा है मुख्यमंत्री की, जो इस समय जारी है। तो पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बैठक जारी है मुख्यमंत्री की पंचायती राज संस्थाओं के साथ, क्या कुछ चल रहा है बैठक में? देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें तो 2 मार्च से हरियाणा का जो बजट सत्र है वो शुरू होना है, और बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, वो बजट पेश करेंगे। और इसको लेकर के प्री बजट बैठकें जो हैं अलग अलग वर्गों के साथ करने का सिलसिला लगातार पिछले दिनों से चल रहा है। एक और जहाँ मंत्रियों से प्री बजट को लेकर के बैठक की जा रही है, उनके विभागों से संबंधित प्री बजट में क्या क्या सुझाव हो सकते हैं ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके, इसे लेकर के न सिर्फ मंत्री बल्कि विभाग के अधिकारी और जो लोग हैं सामाजिक संगठन हैं उनके सुझाव भी इसको लेकर के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा निवास में आज पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली के साथ तमाम अधिकारी जो हैं, जिला परिषद के जो सीईओ हैं और इसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ एक बैठक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और पंचायतों के अंदर क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, पंचायतों को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है और क्या बजट प्रावधान जो है पंचायतों के सुधार में या फिर पंचायतों को और अधिक अपग्रेड करने में, मजबूत करने में किए जा सकते हैं, इसको लेकर के ये पूरी बैठक इस वक्त हरियाणा निवास में चल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हरियाणा निवास में ही हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर ये बैठक चल रही है, और इस हॉल के अंदर तमाम लोग मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और साथ ही साथ अधिकारी मौजूद हैं, जो पंचायती राज मंत्री हैं देवेंद्र बबली वो मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ सुझाव लिए भी जा रहे हैं और किस प्रकार से इसे बेहतर किया जा रहा है इस बात को भी फिलहाल साझा किया जा रहा है तमाम जो लोग इस बैठक के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से कई अलग अलग वर्गों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। न सिर्फ ये बैठक, इस तरीके की लगातार बैठकों का दौर जो है वो मुख्यमंत्री का चल रहा है ताकि तमाम जो इस प्रकार के सुझाव है उन सुझावों को शामिल किया जा सके बजट के अंदर, और इसी को लेकर के ये तमाम बैठकें देखने के लिए मिल रही हैं। और इसी प्रकार से एक बैठक और जो दूसरे वर्ग है उनके साथ मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद करने जा रहे हैं। जी, यानी कि आज ही एक और बैठक मुख्यमंत्री की होने वाली है, और वो किसके साथ होगी जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें तो एक और बैठक होगी, जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग जो मंत्री हैं उनके साथ बैठ करके, अधिकारियों के साथ बैठ करके लगातार ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि 2 मार्च से जो बजट सत्र है वो हरियाणा का शुरू होगा, मुख्यमंत्री को बजट पेश करना है, तो ऐसी स्थिति में तमाम वर्गों के साथ जो बैठकें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, और उनके साथ बैठ करके ताकि कोई भी वर्ग ये ना कहे कि बजट से पहले उनके सुझाव नहीं लिए गए, चाहे वो किसान संगठन हो, कृषि मंत्री हो, मिनिस्टर हो, इस तरीके से इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हो, उन सभी के साथ ये बैठकें जो हैं वो एक एक करके मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं ताकि हर एक का ध्यान जो है वो बजट के अंदर रखा जा सके और बजट प्रावधान उस अनुरूप किया जा सके। जी, यानी कि जब बजट आएगा 2 मार्च से, क्योंकि बजट सत्र शुरू हो रहा है, 2 मार्च को हरियाणा का बजट आएगा, बजट जब आए तो किसी भी वर्ग की, किसी भी विभाग की कोई शिकायत ना रहे सरकार से कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं लाए हैं बजट में, तो इसीलिए क्या माना जाए कि सभी की समस्याओं को सुना जा रहा है और सभी से पूछ कर बात करके बजट को तैयार किया जा रहा है सरकार की ओर से।
जी बिल्कुल, ना सिर्फ सरकार के नुमाइंदे बल्कि और इससे बाहर भी अगर कोई सुझाव बजट को लेकर के मुख्यमंत्री को मिल रहा है या फिर इन संगठनों के साथ बैठने की आवश्यकता है तो यह भी मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी एक्सरसाइज बजट तैयार करने को लेकर के की जा रही है, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री बजट जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ही पेश करना है। तो ऐसी स्थिति में बजट में कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और किसी प्रकार के नाराजगी देखने के लिए ना मिले। ना सिर्फ सरकार के मंत्री या फिर सामाजिक संगठन एनजीओ, इनके अलावा विपक्ष से भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये सुझाव मांगे गए हैं कि विपक्ष भी क्या सुझाव देता है बजट को लेकर के। हालांकि जिस प्रकार से लगातार राजनीतिक बयानबाजी देखने के लिए मिलती है कर्ज में डूबे होने को लेकर के या फिर कर्ज से निजात किस तरीके से सरकार पाएगी, इस प्रकार के कुछ एक ऐसी बातें जो अमूमन विपक्ष जो है वो बजट के समय कहते नजर आता है, उन तमाम विषयों को जो है यहाँ पर जरूर उठाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री का यह प्रयास है इन सबसे इतर एक बेहतर बजट किस प्रकार से बनाया जा सके और जो बजट को लेकर के भी जो प्रबंधन है, जो कर्ज से हरियाणा को निकालने को लेकर के क्या कुछ प्रावधान है उसको लेकर के मुख्यमंत्री बजट में स्वयं अपनी तैयारी अधिकारियों के साथ मिलकर के लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं 2 मार्च से पहले ये तमाम एक्सरसाइज जो है वो प्री बजट मीटिंग के तौर पर है और अलग अलग वर्गों के साथ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी जितिन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं अलग अलग वर्गों के साथ मुख्यमंत्री ये बैठकें कर रहे हैं, आज भी ये बैठक है, इस बैठक के बाद एक और बैठक होगी, तो क्या माना जाए प्री बजट अभी कितनी और बैठकें हैं ऐसी जो मुख्यमंत्री करने वाले हैं? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 मार्च से बजट जो है वो बजट का सत्र जो है वो शुरू होना है। अब ऐसी स्थिति में कुछ दिन जो है वो बजट तैयार होने को लेकर के, बजट की कॉपी जो है प्रिंट होने को लेकर के लगता है, तो ये कह सकते हैं कि ये सिलसिला अभी कुछ एक दिन और जो है देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बजट को फाइनल करके जो प्रिंटिंग प्रोसेस है उसके लिए भेज दिया जाएगा और बजट सत्र जो है वो जब शुरू होगा तो पूरे तौर पर सभी वर्गों का ये बजट हो, आम लोगों का ये बजट हो, इसको ध्यान में रख करके बजट जो है मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा और उसमें क्या कुछ कमियां या फिर इस पूरी तैयारी के बावजूद भी किस तरीके की कमियां रही हैं ये कहीं ना कहीं गिराने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। अलग अलग वर्गों को भी अगर ऐसा लगेगा तो वो भी इसको लेकर के अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि सभी लोग बजट से कहीं ना कहीं खुश रहे और उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको बजट में शामिल किया जा सके, ये एक प्रयास प्री बजट की बैठकों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट को तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए लगातार बजट बैठकें हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय आपको बता दें कि बजट जो तैयार हो रहा है तो मुख्यमंत्री की कोशिश है कि सभी वर्गों के साथ चर्चा की जाए, सभी के साथ चर्चाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ऐसे में 2 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, तो उससे पहले ये प्री बजट बैठक का दौर है जो इस समय चल रहा है।